सबसे एक्सपेक्टेड था कि करेगी आज मुझे वोट आउट। मैं तो बोल के आया था कि मुझे भाई वोट आउट करना ऊपर से, बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे साथ इतना बुरा करेगा, इतना बुरा बुरा बोलेगा। क्योंकि सीन क्या है, मैं रहता हूँ रियल और ये रहते हैं फेक, ग्रुप बना लेते हैं और एक बंदे पे चढ़ जाते हैं। शिवेद भाई जो ना तूने आज किया ना किसी का करेक्टर नेगेटिव दिखाने के लिए और अपनी गेम बढ़ाने के लिए, उसके लिए हेलो गाइस, दिस इज योर इनसाइडर आमिर उर्फ क्यूपिड एंड वी आर डन विद अनदर डोम सेशन। और आज युवराज हैज बीन डम। भाई पूछूंगा नहीं कैसा लग रहा है, तो वो तो शक्ल से दिख रहा है तेरा लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा था, पूरा एक्सपेक्ट था मेरे को, सबसे एक्सपेक्टेड था कि करेगी आज मुझे वोट आउट। मैं तो बोल के आया था कि मुझे भाई वोट आउट करना ऊपर से, बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे साथ इतना बुरा करेगा, इतना बुरा बुरा बोलेगा, एक्सपेक्ट था कि वोट आउट करेगा। मतलब तू खुद चाहता था कि बाहर जाए? हाँ, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अजीब हो रही थी यहाँ पे बहुत। युवराज तुमको लगता है जो अगर वो आज वो मुद्दा नहीं उठता था जो आपके खिलाफ बोल रहे थे आज, आप घर जाते थे? मैं फिर भी घर जाता, मुझे पता है वोट आउट होता मैं, क्योंकि बेसिकली सब यही चाहते थे आज मैं वोट आउट हूँ। क्योंकि एक तो मैं, मेरे को चैलेंज परफॉर्म करने का इतना मौका नहीं मिला, और मिला भी है तो मैंने अच्छा नहीं किया उनमें परफॉर्म, ये सबको पता है। तो बाकी मेरे को पता है कि मेरे पे चढ़ते रहते शुरू से, सारे मेरे पे ही चढ़े कल्ले पे, चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो। और ये जो बात हुई थी ना शिवेद जो आज की है, ये ना शो से पहले उसको पता था, पर उसने शो में पहले कभी भी नहीं बोली, जब रुरुए तब भी नहीं बोली थी बात। तो अब खुद सोचो क्यों बोली होगी आज ही सिर्फ। तो वो ये बात आपने बोले थे? You accept that you have told it? No, मेरे को ये नहीं पता उन्होंने बोला क्या है मेरे को। मैंने जो बातें बोली वो मैंने ऑडिशन में भी बोली थी, तो मुझे पता है कि इन्होंने जो बात बोली होगी रूरू को वो मुझे पक्का पता है, मुझे वो झूठ बोला है, बहुत ओवर एग्जैचुरेट करके बोली है चीज़ें इन्होंने। आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं बोला है तो why you are feeling so guilty about it? No, I am guilty कि मैंने रूरू के बारे में जो मैंने ग्रुप चैट वाली बातें लिखी थी, तो कुछ तो गलत बोला है। हाँ, कुछ गलत बोला है। हाँ, वो हाँ। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ मैंने गलत बोला है, एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए था। और पर वो जो बातें थी ना वो इतनी बुरी, जितना शो कर रहे थे ना इतनी थी नहीं, क्योंकि वो रूरू को भी पता है क्या क्या बात थी, इन्होंने झूठ बोला लिटरली। दोस्त भी बनाए ये विला में या आप, क्योंकि मैं देख रहा था आज कोई आपके सपोर्ट में उठ रहा था नहीं था, मतलब इट वॉज ऑल अगेंस्ट वन। या आई नो, देखो शुरू से यही रहा है मेरे साथ, हमेशा सारे ही लड़ने लग जाते हैं और मैं कल्ला ही लड़ता रहता हूँ। ये बहुत बारी हो गया है शो पे आके, क्योंकि सीन क्या है, मैं रहता हूँ रियल और ये रहते हैं फेक, ग्रुप बना लेते हैं और एक बंदे पे चढ़ जाते हैं उसको दबाने के लिए। आज शिवित यही कर रहे, दबा ही रहे थे, और ये आडी सब ये दोस्त है ना, ये मेरा वहाँ पे दोस्त आने के था, उसने चलो कुछ बोला नहीं क्योंकि वो भी अपनी गेम के बारे में सोच रहे, तो ठीक है मैंने उसको, मैं एक्सपेक्ट किया था हल्का सा कि बोलेगा, उसने चलो नहीं किया, कोई बात नहीं वो उसका है। रिवेंज का मौका मैं तुमको दे रहा हूँ, हमारा पंचिंग बैग। शिवेद भाई जो ना तूने आज किया ना किसी का करेक्टर नेगेटिव दिखाने के लिए और अपनी गेम बढ़ाने के लिए और इतनी फेकनेस जो आज दिखाई है, तूने झूठ बोले रूरू को, उसके लिए ठीक है। जब पहली बार मैंने एक्सपोज किया शोभे का, क्योंकि उसकी फीलिंग ऐसे ऐसे, जब तूने मेरी साइड क्यों ली और आज ऐसे क्यों किया मुझे खुद बता। अब कह रहे पूरी साइड पता नहीं तेरे को, ये वो, इसके लिए तेरे को पता था कि मैं पहली बार आ रहा हूँ शो में, और तूने मेरे को डीमोटिवेट इतना ज़्यादा किया कि भाई तू तो दो दिन में निकल जाएगा, तेरे से क्या होएगा, कुछ भी नहीं है तू, ये वो, उसके लिए कोई बात नहीं। युवराज भाई ऐसा छोटी छोटी बातें कभी कभी भरी भरी बना देते लोग, बना देते लोग। विश यू ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू, होप यू हैव अ लवली जर्नी आउटसाइड। या थैंक यू, एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग एमटीवी स्विट्ज़रलैंड 15 एंड फुली फालतू।